हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। टाटा सन्स ने एयर इंडिया की कमान संभालने के लिए जीती बोली। जी हां, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि टाटा सन्स भारत के संघर्षरत राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया की बोली जीतने में सफल रही है। देश के सबसे बड़े समूह ने पिछले महीने फ्लैग कैरियर में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपनी अंतिम बोली जमा की थी। RBI ने कहा, पूरे भारत में जल्द ही ऑफलाइन डिजिटल भुगतान मोड शुरू किया जाएगा। जी हां, RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि जल्द ही पूरे भारत में ऑफलाइन मोड में डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इससे उन लेन देन में मदद मिलेगी जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। इससे डिजिटल भुगतान की पहुँच का विस्तार होगा और लोगों एवं व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। तवांग गतिरोध पर सरकार ने कहा, कोई चीनी सैनिक हिरासत में नहीं, कोई संरचनात्मक क्षति नहीं हुई है। जी हां, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के साथ गतिरोध में किसी भी चीनी सैनिक को हिरासत में नहीं लिया गया था। घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा की धारणा में अंतर के कारण गतिरोध हुआ था। दिल्ली में बिना टीके वाले सरकारी कर्मचारियों को इस दिन से कार्यालय में अनुमति नहीं। जी हां, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने COVID-19 का टीका नहीं लिया है उन्हें 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षकों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों सहित ऐसे सभी गैर टीकाकरण वाले सरकारी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने तक छुट्टी पर माना जाएगा। लखीमपुर खीरी मामले में जांच से संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, दी अगली सुनवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 3 अक्टूबर को ही हिंसा की घटना की जांच से संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई छुट्टी के तुरंत बाद यानी कि 20 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे तक के लिए टाल दी है। क्रूज शिप ड्रग केस में NCB आर्यन खान अन्य आरोपियों को आर्थर जेल लेकर पहुंची। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य आरोपियों को क्रूज शिप ड्रग रेड मामले में आर्थर रोड जेल में डाल दिया है। मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को आर्यन खान और अन्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख ने कहा, पूर्वी लद्दाख में त्वरित कार्रवाई हमारी युद्ध तत्परता का प्रमाण है। जी हां, भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में विकास के जवाब में IAF की त्वरित कार्रवाई इसकी युद्ध तत्परता का एक वसीयतनामा थी और इसके चल रहे क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में तेजी से और निर्णायक परिणाम प्राप्त करना है। सी रंगराजन ने कहा, 2025 तक भारत के लिए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना असंभव। जी हां, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत का 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना असंभव है और इसे हासिल करने के लिए देश को अगले 5 साल तक 9% की सालाना दर से आगे बढ़ने की जरूरत है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।